Watch this video till end. This is your responsibility. You will learn with this video. This is my responsibility. So don't waste your time. Now starting this video, welcome to your channel Jack Sir. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है. मल्टीप्लाई सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो में मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई के हर एक कंसेप्ट को कवर करने के लिए आपके लिए तीन एग्जांपल लिए हैं. पहले एग्जांपल में आप एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे. दूसरे एग्जाम्पल में आप दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और ज़ीरो का यूज़ कैसे करते हैं गुणा करने में ये भी सीखेंगे. और तीसरे एग्जाम्पल में आप तीन डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, साथ ही साथ में डेसिमल का यूज़ करना भी सीखेंगे. तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं मल्टीप्लाई करने के. तो मल्टीप्लाई अगर करना आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए. मैं गारंटी देता हूं कि इस पूरी वीडियो को ध्यान से अगर आपने देख लिया तो मल्टीप्लाई में आपको फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं. पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, एक डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए. सबसे पहले मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि राइट से लेफ्ट साइड के तरफ मल्टीप्लाई करते हुए जाना है. नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में गुणा करते हैं और राइट से लेफ्ट साइड में जाते हैं, यानी इधर से इधर की तरफ. तो नीचे थ्री है, एक डिजिट के मल्टीप्लाई करना है. ऊपर वाले नंबर में राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो पहले टू में, फिर फोर में, फिर थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने का मेन मतलब ये होता है कि नीचे वाले नंबर का पहाड़ा जितना ऊपर नंबर लिखा है उतनी बार आप पढ़िए. तो सिंपली हम क्या करेंगे, थ्री का पहाड़ा टू बार पढ़ेंगे. तो थ्री टू जा कितना होता है, सिक्स, सिक्स लिख देंगे. फिर थ्री का पहाड़ा फोर बार पढ़ेंगे. थ्री फोर जा कितना होता है, ट्वेल्व. 12 का सिर्फ 2 लिखेंगे और 12 लिखते तो इस तरह से हम अगर सिर्फ 2 लिखेंगे जो अगला नंबर है वो अगले वाले नंबर पर हासिल लग जाएगा इस तरह से. अगर आगे कोई नंबर नहीं होता तो 1 यहाँ पर लिख देते, लेकिन आगे नंबर है इसलिए ऊपर हासिल लग जाएगा. फिर से क्या करेंगे, 3 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए. 3 3 जा कितना होता है, 3 3 जा 9 होता है. तो 9 आ गया, उसके बाद 1 ऊपर हासिल है, उसे भी जोड़ लेंगे तो मिला के 10 हो जाएगा. तो 10 इस नंबर के नीचे और 1 आगे लग जाएगा, आगे हासिल नहीं लगेगा क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं. तो इस तरह से एक डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाता है. तो मुझे उम्मीद है पहला एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए. आइए अब हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं और दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना भी सीख लेते हैं, साथ ही साथ में मल्टीप्लाई करने में ज़ीरो का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में. तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, राइट से लेफ्ट में जाना है, नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में गुणा करते हैं, नीचे और राइट से लेफ्ट का ध्यान रखेंगे. तो राइट में सबसे पहले टू है, टू का ऊपर वाले नंबर में गुणा करना है. तो टू टू का इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें गुणा करेंगे. उसके बाद आपके पास है फोर, फिर फोर का इसमें, इसमें और इसमें, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले टू का मल्टीप्लाई करेंगे. टू का ज़ीरो बार पहाड़ा पढ़िए तो कितना आएगा, किसी भी नंबर का ज़ीरो बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमेशा ज़ीरो आएगा. फिर टू का पहाड़ा थ्री बार पढ़ेंगे. टू थ्री जा कितना होता है, सिक्स. तो सिक्स सिंपली नंबर के नीचे लिख देंगे. फिर टू का पहाड़ा फाइव बार पढ़ेंगे. टू फाइव जा टेन होता है. तो टेन इस तरह से लिख देंगे. टू का मल्टीप्लाई कम्प्लीट हो गया है. फिर से राइट से लेफ्ट में फोर आया है. फोर का आप ऊपर वाले फिर से नंबर में ज़ीरो में, थ्री में और फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अगले नंबर का मल्टीप्लाई करने से पहले आपको सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही नीचे आएंगे तो एक नंबर के नीचे क्रॉस का निशान इस तरह से लगा देंगे. उसके बाद अब फोर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप. फोर ज़ीरो जा ज़ीरो होता है. फोर थ्री जा ट्वेल्व का टू हासिल लगेगा वन अगले नंबर के, क्योंकि फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री में मल्टीप्लाई किया था, अगले नंबर पर हासिल लगेगा इस वाले नंबर का. अब फोर का पहाड़ा फाइव बार पढ़ेंगे. फोर टू फोर फाइव जा ट्वेंटी और वन जोड़ लेंगे तो ट्वेंटी वन हो जाएगा. तो ट्वेंटी वन इस तरह से लिख देंगे. अब एक नंबर का डिजिट का मल्टीप्लाई करना था तो जो मल्टीप्लाई किया वही आंसर था. दो डिजिट का मल्टीप्लाई किया है तो अभी आपका आंसर नहीं आया है. अब आंसर कैसे आएगा, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों नंबर को जोड़कर नीचे लिखेंगे. तो ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे. सिक्स के नीचे ज़ीरो है तो सिक्स और ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा.
टू और जीरो जोड़ेंगे तो टू आएगा, वन और वन जोड़ेंगे तो टू आएगा, और टू के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो टू ही आएगा। तो 42 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया है 22260। इस तरह से आपने दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आइए अब हम देखते हैं तीन डिजिट का मल्टीप्लाई करना, साथ ही साथ में दशमलव का इस्तेमाल यानी पॉइंट का यूज़ कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें तीन डिजिट का मल्टीप्लाई करना आप सीखेंगे, साथ ही साथ में पॉइंट यानी कि जो बुंदी होती है उसका यूज़ करना भी बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। तो आइए इस लास्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं और मल्टीप्लाई के हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, आप सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है मल्टीप्लाई करते हुए। तो राइट में सबसे पहले टू है, टू का ऊपर वाले नंबर में राइट से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टू का पहाड़ा 7 बार 4 बार फिर 8 बार पढ़ेंगे। तो टू का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 2 7 या कितना होता है 14, तो 14 का 4 लिखेंगे और हासिल 1 अगले नंबर पर लग जाएगा। फिर टू का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 या 8 होता है, 8 आया, 8 में हासिल जोड़ेंगे तो 1 जोड़ के 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 जा 16 होता है, 16 इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करना है, पॉइंट है उससे हमें मतलब नहीं है, अगला नंबर है 0 0 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए तो हमेशा 0 ही आता है। तो 0 का इसमें 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 3 नंबर हैं, 1 2 3 तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा हर बार। तो 0 0 लिखने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही अगले नंबर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक पहले एक बार क्रॉस का निशान लगाएंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 बार 0 इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि 0 7 जा 0 0 4 जा 0 0 8 जा 0 होता है। उसके बाद फिर अगले नंबर पर मल्टीप्लाई करना है तो नीचे आपको 2 बार क्रॉस का निशान लगाना है, पहली बार में 1 बार उसके बाद 2 बार क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा कितना होता है 3 7 21 21 होता है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 3 7 21 21 होता है, तो 1 लिख दिया और 2 हासिल ऊपर लग गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 जा 12 यानी कि 12 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1 अगले नंबर पर लग जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24 होता है, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 होता है, तो 25 यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। तीनों नंबर का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर चुके हैं, उसके बाद अब क्या करना है, लाइन को इस तरह से खींचना है और जो भी नंबर आए हैं आपके उन सभी नंबरों को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे, 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 4 आ जाएगा, 9 के नीचे 0 है और कुछ नहीं है तो सिर्फ 9 आ जाएगा, 6 0 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 1 और 0 0 का कोई मतलब नहीं, 1 और 4 5 होता है तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई तो अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब बात आती है कि इस पॉइंट को किस तरह से लगाएं। तो पॉइंट को लगाने का तरीका ये है, यहाँ पे कई नंबर के बाद पॉइंट लगा है, आपको राइट से लेफ्ट में ही हमेशा नंबर गिनना है। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद, यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ ऊपर 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर कितने नंबर के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 और 1 मिला के कितना होता है 3, तो टोटल 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है अपने आंसर में, 1 2 3 राइट से लेफ्ट में, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से पॉइंट का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक वीडियो के सीरीज़ की दूसरी वीडियो थी जिसमें आपने मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से सीख लिया है। अगर आपको अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करना आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में जिसमें आप बेसिक वीडियो के तीसरे पार्ट को देखेंगे, उसमें आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो डिवाइड बेहतर तरह से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम उसकी वीडियो लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।